नमस्ते, मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहती हूँ डॉक्टर सौमीर आर्य सर को, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए बहुत हार्ड एक सब्जेक्ट था जिसे मैं हट प्रदीपिका कहती हूँ, उसको इतने सरल तरीके से समझाने और उसमें जो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं उन्हें बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं साइंस बेस्ड हूँ, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट तो उसी सब्जेक्ट में आएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर उन्होंने इस सब्जेक्ट में मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप किया कि मैं आगे और आने वाले जो भी उनके जो सब्जेक्ट है, हमारे पुराण से रिलेटेड गीता हो, भगवत गीता हो या हिरण्य संहिता, कोई भी वो अगर लॉन्च करते हैं तो मैं उसमें पढ़ना, उनके साथ ज्वाइन होना चाहूँगी। हमारे ग्रुप में मेरे जैसे साइंस के और इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट, पता नहीं कौन कौन से स्ट्रीम से लोग हैं, पर उन सबको एक ग्रुप में बांधना और सबको बराबर इंटरेस्ट पैदा करना, यानी कि वो ही गुरु का ही काम हो सकता है। क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस ही है, आपकी, सबकी अलग अलग होती है, पर सबको एक जैसे अच्छा लगना, एक जैसा उनको समझ आना, वो सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ होना, यानी वो गुरु का ही इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है। तो हमारे सोमवीर गुरु सी गुरु जी को बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने हम जैसे लोगों को भी इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया और वो सब्जेक्ट के प्रति लगाव पैदा किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद बोलती हूँ सर, वेरी वेरी थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली पराशर है, मैं गाजियाबाद से हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आचार्य सोमवीर आर्य जी को ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, इंडिया में भी, भारत में भी और विदेश में भी। उन्होंने हमारे भारत का नाम ऊँचा किया है योग को रिप्रेजेंट करके, और मैं उनकी शिष्य हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मैं उनकी वीडियोस को फॉलो करती हूँ। मैं आपसे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाल ही में मैंने YCB लेवल 3 क्लियर किया है। इसके लिए आप लोग शायद जिन्होंने किया है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि यह योग एक समुद्र है। जितना भी आप इसमें जाते जाएंगे उतना ही आपको और गहराइयाँ दिखाई देती जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि एक असीमित ग्रंथ है, असीमित शिक्षा है, असीमित संस्कृति है योग हमारी, कि आप जितना भी इसके बारे में जानते जाएंगे जानेंगे उतना ही कम है। तो YCB लेवल 3 क्लियर करने के लिए मैंने 2-3 कोचिंग भी ज्वाइन की थी, उनको पढ़ा एक एक महीने, लेकिन बस इतना ही पता चला कि अष्टांग योग, हठ योग और हठ प्रदीपिका, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, उनका कहाँ से आरंभ हुआ है, कौन उसके लेखक हैं, कौन उसके रचयिता है, किसने उसकी उत्पत्ति की है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से अंत हुआ है, कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। नमस्ते, मेरा नाम भगवती पटेल है, मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से हूँ, और मुझे हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ना था, और मेरा सौभाग्य कही है कि मुझे सोमवीर सर से ये ग्रंथ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी जो हठ प्रदीपिका के जो अध्याय है वो अच्छे से हमको पढ़ाए है। 15 आसनों के बारे में उन्होंने अच्छे से मार्गदर्शन किया है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके हमको ये आसन सिखाए हैं। शतक्रिया उन्होंने सिखाई है, मुद्राओं के बारे में अच्छे से उन्होंने जानकारी दी है, और कुंभक है जो 8 कुंभक है उसके बारे में उन्होंने अच्छे से हमको मार्गदर्शन किया है, और जो पंचम जो अध्याय है इसमें योगिक चिकित्सा उसके बारे में मालूम था, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी मुझे सुमित सर से मिली है, तो उनका मैं सर हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से हमको ये ग्रंथ पढ़ाया है। और आगे वो 13 अप्रैल को गैरन संहिता ग्रंथ भी पढ़ाने वाले हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनके मुख से ये हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो सर आपको सह दिन से खूब खूब धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए, और आपके अनुकृपा के सहायता से हम और भी ग्रंथ पढ़ सके, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे हम गुरु हमको मिले। तो धन्यवाद गुरु जी आपका, और भगवद गीता भी हम आपसे पढ़नी है, और हठ प्रदीपिका पढ़ के बहुत आनंद आया और सभी डाउट हमारे क्लियर हो गए। और सर आपने जो 10 मिनट का ये डाउट सेशन रखा था उनसे सभी डाउट तो क्लियर हो ही गए, लेकिन
कभी ऐसा लगता था कि नहीं ये डाउट रहेगा है तो हम पर्सनली आपको मैसेज करते थे, तो आप ऐसा नहीं कि किसी भी मैसेज का आपने रिप्लाई नहीं दिया हो, सभी जो हमारे प्रश्न थे उनका आप सही से उत्तर देने का। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, मैं महेश उत्तराखंड उधम सिंह नगर से बोल रहा हूँ, और मैं लगभग पिछले 2 महीनों से सोमवीर सर की क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से उनका योग दर्शन हठ योग प्रदीपिका को पढ़ाने का तरीका है वो इतना सुपर, इतना बेस्ट है कि मैं इसको सोमवीर सर की यूट्यूब पे क्लासें देखने के बावजूद भी जो उनका लाइव क्लास लेकर के वो जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही अच्छा, और हट करके इस विषय में भी वो हर शब्द को, हर टॉपिक को बहुत क्लियरली और बड़े समझा करके बहुत सिंप्लिसिटी में पढ़ाते हैं, और जो उनका उनको देखते हुए लगता है कि कृतज्ञता वो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट के अंदर जो भर देते हैं वो हर योग साधक के लिए या हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। नमस्कार। परम आदरणीय, परम पूजनीय गुरु जी सोमवीर आर्य साहब के सानिध्य में हमने हट प्रतिपीका पढ़ी। इस कोर्स से पहले तो हम उस गुरु का नमन करते हैं, साधुवाद करते हैं कि इस युग में, इस प्रकार के योग के क्षेत्र में गुरु अभी हैं, हमें इस प्रकार के सानिध्य कभी गुरुओं का प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार हमारे सोमवीर आर्य जी का हमें सानिध्य मिला, और उस प्रत्येक चीज को एक योग के क्षेत्र में जो अगर हैं वो अगर हट प्रतिपीका, उससे पहले हमने योग दर्शन पढ़ा, उस चीज़ को अगर गहराई से हम नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब हम योग के क्षेत्र, हम योग के जो गुणवत्ता है, योग के वास्तविक जो सिद्धि है जिसे किसी गोपनीय रूप से हमें रखना चाहें वो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे सोमवीर आर्य जी के हमने जो पूरे महीना पढ़ा, ऑनलाइन क्लासें चली, उन सानिध्य हमने पढ़ा कि वास्तव में हठ योग क्या है, योग क्या है, प्रणाम क्या है। हम लोग जो करते हैं, हजारों लोग करते हैं ऐसी बात नहीं, कई गुरु ऐसा कराते हैं, अच्छे भी करते होंगे, हम ये नहीं मानते हैं अच्छे नहीं, लेकिन उनके सानिध्य हमने सीखा कि वास्तव में हमने किन किन समय में कब कब हम जो गलतियां कर रहे थे, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए, कौन सा आसन कम करना चाहिए, आसनों का महत्व क्या है, और आसन जो पूरक पूर्ण आसन कौन से हैं, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, कैसी कही ऐसी जो हमारे जो जिज्ञासाएं थी उनका हमारे जिज्ञासा दूर हुई। हम बहुत कुछ उसमें सीखे कि वास्तव में अगर आप वास्तव में योग के क्षेत्र में हैं तो एक बार आप सोमवीर आर्य जी के सानिध्य में चीजों को सीखना चाहिए। जितना आप हमारा जो अनुभव है, जो इस 2-4 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, अभी जो हम इस 2 महीने हमने जो अनुभव किया कि वास्तव में आप व्यायाम करें, आसन करें, तो उससे आप बाहरी चीजें आप फिट रह सकते हैं। कई लोग हमने प्रैक्टिकल देखा है कि बाहर करके चले गए, लेकिन हम क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, वो चीजें हम जो है आज के युग में जो अनुभव नहीं करते। उन्होंने 5 मिनट मिला एक्सरसाइज की तरह, लेकिन आंतरिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए, आंतरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, मन की गहराइयों को समझने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अंदर जो। नमस्ते, मैं अर्चना राव रानी मुंबई से। सबसे पहले तो गुरु जी आपको सादर प्रणाम। ये जो हट प्रदीपिका कोर्स हमारा खत्म हुआ है, जब ये चालू हुए थे तो योग दर्शन और हट प्रदीपिका ये दोनों कोर्स हमारे पैरेलल चालू हुए थे। हट प्रदीपिका 2 दिन पहले खत्म हुआ। हट प्रदीपिका ये कोर्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी तो गुरु जी के बारे में पहले बताने तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगी। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊ, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊ। गुरु का महत्व किसी को मालूम नहीं है ऐसे ना, और हमारे एज में तो गुरु का महत्व हम लोगों को मालूम ही है, लेकिन गुरु जी ने, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने ये जो ज्ञान की उपासना का ये जो बहुत इतना बड़ा सत्कार्य चालू किया है ना, तो उसमें हम लोग उनके बहुत 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 ऋणी रहेंगे।
इतना बड़ा ये कार्य है। मैंने जब ये अक्टूबर लास्ट वीक में 21 में इसकी योग YCB लेवल 2 की एग्जाम दी थी, तब हट्टा प्रदीपिका ये बुक कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी और दुनिया भर के बुक्स मैंने खरीदे थे, जो जो इसमें मिलते थे ऑनलाइन वो सब बुक्स में खरीदती थी, लेकिन बुक पढ़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं और उतना टाइम भी नहीं था। और ये 391 श्लोक कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, तो मैंने सिर्फ सवाल जवाब ही किए थे। और अभी ये जो कोर्स कर रही हूँ और सर ने जिस सरलता से सहजता से उसको समझाया है, पूरी बुक पढ़ने को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। टाइम पढ़ने को यानी हम मुझे तो ये पढ़ाने के बाद वो मैंने समझा, सर की यही कोशिश थी कि अब सिर्फ पढ़ो मत, अब समझो, जानो उसको और उसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो कर रहे हैं सर हम लोग अपने आप को। और उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, एक एक बात जो आप बता रहे थे, सिखा रहे थे, वो हमने समझे और उसके ऊपर हमारा कार्य शुरू भी हो गया। और सिर्फ हमने नहीं है, मेरी अगर मैं बात करूंगी तो मैंने खुद तो किया ही किया, लेकिन सर वो पुल, वो ब्रिज जो है वो बन रहा है। तो सर फिर से आपका, आपके हम लोग सही में ऋणी रहेंगे, आपको बहुत 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 शुभेच्छा भी देते हैं कि आप ऐसे ही आगे 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 बढ़ते रहो। हम हमेशा आपके साथ, आपके शिष्य बन के, आपके विद्यार्थी बन के आपके साथ हमेशा रहेंगे। फिर से आपको कोटि 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 प्रणाम। सबसे पहले तो गुरुदेव आपको प्रणाम, झांसी की रानी की तरफ से, जो आपसे योग की शिक्षा लेकर आज धन्य हो गई है और ऐसी शिक्षा आप सबको देते रहें, तो ऐसा हम सबका ये सौभाग्य है। बताना चाहूंगी आज मैं उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक योग की शिक्षा नहीं ली है या आगे लेना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे गुरुदेव सोमवीर आचार्य जी से जरूर इनके लेक्चर्स सुने, इनसे योग की शिक्षा लें, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से आज तक जिन्होंने मुझे इस योग की शिक्षा दी बहुत अच्छे से समझाया बताया। योग की शिक्षा में मैंने योग दर्शन घेरण संहिता हट पर दीपिका की शिक्षा सबसे पहले अपनी गुरु माँ से ली, रंजना छाबड़ा जी से, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मुझे बताया। उसके बाद जिन जिन लोगों से मैंने इन ग्रंथों के बारे में नॉलेज ली उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बताया, लेकिन सोमवीर सर ने जो हमें ये हट प्रदीपिका का ज्ञान दिया, तो हट प्रदीपिका को पढ़ाया, तो इसकी स्पेशलिटी मेरे अकॉर्डिंग जो रही कि आज तक सबने हमें लेक्चर्स दिए कि हट प्रदीपिका में चार उपदेश हैं या पांच उपदेश हैं, किसी ने चार बताए, किसी ने पांच बताए, लेकिन उन्होंने उन उपदेशों के अंदर क्या है उसका केवल हिंदी में सार गर्भित करके हमें समझाया बताया। सर की स्पेशलिटी मुझे ये लगी कि सर ने एक एक श्लोक का वर्णन करते हुए हमें पूरी हट प्रदीपिका को एक सार गर्भित रूप में, सुंदर रूप से, सरल रूप से जो वर्णित करके हमें समझाया है, तो आज ऐसा लगता है जब उनसे मैंने हट प्रदीपिका की नॉलेज ली कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमें समझना है, और जितना अभी एक बार में समझा तो जिज्ञासा और उत्पन्न हो रही है कि एक बार फिर से हट प्रदीपिका सोमवीर सर से की जाए ताकि जो नॉलेज हमारी रह गई है। नमस्ते, मैं दिव्या चौधरी बात कर रही हूँ आपसे, और मैंने योग में MA किया है लाडनू से और YCB लेवल 2 की भी एग्जाम पास की है। जब से मैंने सोमवीर सर का योग दर्शन, हठ योग प्रदीपिका दोनों कोर्स ज्वाइन किया, तब से बहुत जानकारी मिली है। सर की सिंप्लिसिटी बहुत है, बहुत ज्ञान होते हुए भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, सरलता से सब कुछ समझाते हैं। हठ योग प्रदीपिका में मुझे YCB लेवल 3 की भी तैयारी करने में बहुत आसान लगती है।
और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता नहीं थी, वो सब कुछ मुझे मिली है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आगे भी सर कैरन संहिता का कोर्स चालू कर रहे हैं, तो गुरुजी से ज्यादा लोग जुड़िए और बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी, एक एक शब्द की हमें जानकारी मिलती है। पूरे ग्रंथ का सरलता से हमें समझ में आ जाता है और एग्जाम की तैयारी रिलेटेड भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें सब कुछ तैयारी करने को मिलती है और हमें जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से सोमवीर गुरु जी सर देते हैं। धन्यवाद, सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, मेरी यह विनती है। मैंने डॉक्टर सोमवीर राय सर के साथ हट प्रदीपिका के अध्ययन काल में उन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कंटेंट्स हैं हट प्रदीपिका के, इतनी सरलता से सर ने समझाया जिससे अमेजिंग मैं अभिभूत हुआ और समझ में आया। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक दो ग्रंथों का मैंने एक जो अनुवाद है उसको पढ़ा था, लेकिन समझ में नहीं आता था, परंतु सर के साथ इस सत्र में विलक्षण अनुभूति हुई। मैं धन्य हो गया और मुझे इसको समझने, योग के अर्थ को समझने और हट प्रदीपिका के माध्यम से योग को समझने का एक अच्छा सोर्स प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर का और ये चाहता हूं कि आगे आने वाले सत्रों में भी सर का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंदु केलाकोटी देहरादून उत्तराखंड से। मैंने अभी डॉक्टर सोमवीर आर्य जी द्वारा कराया गया हट योग प्रदीपिका का कोर्स ज्वाइन किया था, जिसके अनुभव मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली हट योग प्रदीपिका बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि मेरे से उसके श्लोक भी नहीं पढ़े जाते थे, जिसको डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने इतने सरल शब्दों में जिसका सरलीकरण कर दिया, या उसके उनके व्याख्यान इतने सरल होते थे जो बहुत अच्छे से हट योग प्रदीपिका हमको समझ आ गया। उनका तरीका पढ़ाने का इतना अच्छा है, वो हर व्याख्यान के बाद एक क्वेश्चन आंसर एंड में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन को रखते हैं। जो भी व्याख्यान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट हैं, उनको क्लियर किया जाता है। उसके बाद जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद एक पूरा दिन ओपन टू माइक रखा जाता है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमारे क्लियर किए जाते हैं। उसके अलावा भी आप कभी भी उनसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा सर के जो पढ़ाने की शैली है वो शायद ही किसी और टीचर की हो, इतना सरल उनका जैसे नेचर है उतना ही सरल उनका पढ़ाने का तरीका भी है। और इस इतने कठिन कोर्स की इतने सरल शब्दों में समझाने की फ़ीस थी केवल 900 रुपया, जो कि शायद मुझे नहीं लगता आज की डेट में जहाँ हज़ारों में लोग बातें करते हैं उसके बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो 900 रुपये मात्र फीस है और इतना अच्छा कोर्स है। प्लीज़ जो भी चाहे आप लोग हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, या आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। आगे भी शायद कोर्स सर कराएंगे इसका, हट प्रदीपिका और योग दर्शन, और अभी वो 13 अप्रैल से कैरन संहिता का कोर्स ला रहे हैं, तो वो कोर्स ज्वाइन करके एक बार मतलब खुद के लिए खुद, मुझे तो लगता है। नमस्ते, मैं हरवीर शर्मा फ्रॉम पलवल हरियाणा। मुझे डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज योग दर्शन और हट प्रदीपिका को पढ़ने का अवसर मिला। डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने बहुत ही उदाहरणार्थ और सरल भाषा में और लयबद्धता के साथ और सुगम भाषा में इस ज्ञान को शेयर किया और उससे हम लाभान्वित हुए।
और मेरा स्पेशली जो भी योग साधक और प्रैक्टिशनर्स हैं या योग जिज्ञासु हैं, अगर आप योग के मर्म को जानना चाहते हैं, योग के लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर सोमवीर आर्या जी की क्लासें अवश्य ज्वाइन करें और खुद भी लाभान्वित हों और अपने साथी और आस पड़ोस सभी को इस नॉलेज को शेयर करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।